नमस्कार दोस्तों। बढ़ती उम्र के साथ साथ कुछ पुरुषों में प्रोस्टेट नाम के एक ग्लैंड का आकार बढ़ जाता है और इस ग्लैंड के आकार बढ़ने की वजह से उन पुरुषों को पेशाब करने में थोड़ी दिक्कत महसूस होती है। ऐसे लोगों को बार बार पेशाब आती है, रुक रुक कर आती है और कई बार उनको रात में भी 3 से 4 बार पेशाब करने के लिए जागना पड़ता है। इस बीमारी के लिए जब वो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनका डॉक्टर उनको कुछ खाने वाली दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है और इन दवाइयों की वजह से उनको इस बीमारी के जो सारे लक्षण होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आराम मिल जाता है। जब मरीज ये दवाई खा रहा होता है तो वो एक तरीके से अपनी बीमारी को भूल सा जाता है। अब क्योंकि बढ़ती उम्र में इस बीमारी के अलावा बहुत सारे लोगों में मोतियाबिंद भी बनता है, ऐसे लोगों में जब मोतियाबिंद बनता है और वो मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो कई बार वो इस बीमारी की दवाई के बारे में या इस बीमारी के बारे में अपने आँख के डॉक्टर से जिक्र करना भूल जाते हैं। कई बार मरीज ये भी सोचता है कि इस बीमारी का हमारे मोतियाबिंद से क्या संबंध हो ही सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रोस्टेट के लिए ले जाने वाली दवाई आपके मोतियाबिंद के ऑपरेशन को काफी हद तक जटिल या फिर मुश्किल बना सकती है? तो आइए आज इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा बीपीएच के लिए या फिर प्रोस्टेट के आकार के बढ़ने के लिए ली जाने वाली दवाइयाँ और मोतियाबिंद से उसके संबंध के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को बाकी लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि प्रोस्टेट के लिए ले जाने वाली दवाइयाँ हमारे मोतियाबिंद के ऑपरेशन को कैसे प्रभावित करती हैं। उसके बाद मैं उन दवाइयों के आपको नाम बताऊंगी जो अधिकतर डॉक्टर इस बीमारी के लिए देता है आपको। तो जो प्रोस्टेट के लिए जो दवाइयाँ ली जाती हैं वो हमारे आँख के अंदर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको प्रभावित करता है। अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो ये हमारे आँख के अंदर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उनको एक तरीके से शिथिल कर देता है या फिर कमजोर कर देता है और इसकी वजह से जो हमारा मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन है वो काफी हद तक जटिल हो जाता है, ये काफी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से जरूरी है कि अगर आप मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने जा रहे हैं तो उससे पहले आप अपने डॉक्टर को जरूर बताएं कि आप किस किस बीमारी के लिए दवाइयाँ लेते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर हम डायबिटीज़ या शुगर के लिए दवाई ले रहे हैं या अगर हम ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के लिए दवाई ले रहे हैं या अगर किसी दिल की बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं तो उसका सीधा संबंध हमारे मोतियाबिंद से होता है या फिर मोतियाबिंद के ऑपरेशन से होता है। तो लोग ये सारी बीमारियाँ और उनके लिए ली जाने वाली दवाइयाँ तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बता देते हैं लेकिन प्रोस्टेट के लिए ले जाने वाली दवाई लोग अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन प्रोस्टेट के लिए ली जाने वाली दवाई ही सीधा आपकी आँख की मांसपेशियों पर असर डालती है और अगर आपके जो आपका जो ऑपरेटिंग डॉक्टर है, जो आपका सर्जन है, अगर उनको ये बात पहले से नहीं पता है तो उनको ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी सारी ली जाने वाली दवाइयों के बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अब बात करते हैं कि प्रोस्टेट के लिए आमतौर पर कौन सी दवाइयाँ अधिकतर ली जाती हैं। जो सबसे कॉमनली दवाई जो हमारे इंडिया में ली जाती है उसका नाम है यूरिमैक्स डी। इसमें टैम्सुलोसिन और ड्यूटेस्टेराइड नाम के एक दो कंपाउंड होते हैं, दो केमिकल होते हैं और ये वाली दवाई ही सबसे ज़्यादा आपका डॉक्टर आपको देता है। तो इस दवाई का नाम ज़रूर याद रखिएगा, यूरिमैक्स डी। और एक बार पुरुष लोग जो कि इस बीमारी के लिए दवाई ले रहे हैं एक बार आज अपनी दवाइयाँ ज़रूर चेक कर लें। यूरिमैक्स डी के अलावा जो दवाइयाँ इस बीमारी के लिए दी जाती हैं वो हैं फ्लोमैक्स, मिनी प्रेस, हाइट्रिन, कार्ड्यूरा। ये सारी दवाइयाँ भी
प्रोस्टेट के लिए दी जाती हैं, लेकिन जो सबसे कॉमनली जो दवाई दी जाती है वो है यूरिमैक्स डी। तो उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आँख की बीमारी या मोतियाबिंद के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे इस नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।